हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। और बताइए आप सब कैसे हैं। नए साल की हार्दिक ढेर शुभकामनाएं, बधाई हो। और आप लोग का बहुत पार्टी मना होगा कल। कल हमारे बहुत फैमिली लोग पार्टी मनाए होंगे। तो आज के दिन में आप लोग कैसे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों देखिए, मैं ये ज़बरदस्त साल ओढ़ के बैठी हूँ, क्योंकि छत पे आई हैं तो बहुत ठंड लग रही है और हवा भी वैसे चल रही है। हमारे यहाँ मौसम आज 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा ख़राब है फिलहाल। वैसे तो गांव में भी ख़राब है। और हम लोग थोड़ा दिल्ली तो रहते हैं, दिल्ली से हरियाणा में रहते हैं, हटके रहते हैं, मतलब गांव एरिया जैसे है। आप लोग को मैं दिखा रही हूँ, देखते जाइए आप लोग, देखिए कैसा लग रहा है आप लोग को सीन। और यहाँ का बैकग्राउंड ऐसे ही है, कुछ खुला खुला नहीं है, आप लोग देखिए। तो मैं यही इसी से बहुत यहाँ ठंड लग रही है। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, कैसे हैं। तो हम लोग, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, तो हमारी हौसला बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, कि हमको इतनी खुशी होगी कि हमारी फैमिली हमें चाहती है और कमेंट करके बताती है। तो यही सब बात है दोस्तों। और आप लोग जान ही रहे थे कि कल विष्णु भैया का जेल होने वाला था, वो जेल से छूटने वाले थे। तो हमारे यहाँ हड़ताल चल रही है, और वैसे भी कल नया साल था तो नहीं छूट पाए। उनका डेट शायद 5 तारीख को रखा गया है, और उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, साल मेडिकल पे हैं, भर्ती हैं। अब ठीक तो हो जाएंगे, ज़्यादातर तो उनको टेंशन, जिसका घर परिवार उजड़ गया तो उसका जीना तो बहुत मुश्किल होता है। और कल मैंने एक वीडियो देखा, शांति दीदी गई युवराज से मिलने, तो युवराज बहुत रो रहा था। तो कितना भी कोई बच्चा ना समझ है, लेकिन माँ की दर्द उतना ही रहता है। जितना कि हर रिश्तों से नहीं होता है, उतना रिश्ता माँ से होता है। तो हमको तो बहुत दुख हुआ कि देखो आज कैसे ज़िंदगी में वो जी रहा है, न माँ है और न पिता है उसके, न पापा हैं। तो यही सब बातें दोस्तों। और क्या किया जाए, हर लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो गम में भी थी। कितना भी खुशी था उसके लिए, मामा मामी दादा अब जो भी थे, उसके मौसा मौसी जो भी मामा थे, कितना भी उनको खुश कर रहे थे, लेकिन उसकी ज़िंदगी तो बिल्कुल कल गम में थी। कल का ऐसे कोई, अब हर ज़िंदगी के मोड़ पे कोई ऐसी खुशी आएगी, लेकिन उसके लिए गम में ही बदला जाएगा। तो आज कल की 1 तारीख थी, इतना यूट्यूबर थे उस दिन, तो इतना मतलब मोबाइल लेके इतना सोशल मीडिया वाले दौड़ रहे थे, इतना हमारे मीडिया कर्मी वाले पत्रकार भैया दौड़ रहे थे, और सब जितना यूट्यूबर थे। लेकिन कल नया साल था तो युवराज को कौन कौन गिफ्ट देने गया, कोई गया? कोई यूट्यूबर नहीं गए कि हाँ चलो युवराज के लिए कुछ दे दे नया साल पे। अगर उसकी माँ होती तो उसे कितना प्यार करती, कितना सब कुछ लुटा देती। और आज के डेट में उस दिन तो इतना भीड़ मची थी, इतना कि केवल युवराज को लेके उसकी तो ज़िंदगी वैसे ही सख्त हो गई है। तो लेकिन कल नया साल था, कोई नहीं गया, कोई नहीं गया। और उनका घर तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल सुना सना लग रहा है, बताओ। एक घर मकान और गाड़ी साड़ी ये सब मतलब पूरा ये किस काम का हुआ, किस काम का नहीं हुआ दोस्तों। तो मैं तो वीडियो में देखी, मैं कि देखो अगर इतना बनाने के बावजूद भी आदमी चैन से नहीं रह पाता, उस ज़िंदगी किस काम का होता है। जब उस समय झोपड़ी था, जब उस समय रहने का ठिकाना नहीं था, तो कैसे कैसे उस मंजिल पे इंसान आया। तो इंसान इंसान को नहीं जीने दिया, नहीं जीने दिया दोस्तों। चलो ठीक है, जैसे जिसकी ज़िंदगी, जैसे जिसके क्रम किस्मत में लिखा रहता है वही हो के रहता है। उनको यही लिखा था कि तुम
इतने स्थिति से गुजर के इतना ऊपर आओगे तो इतना नीचे गिर जाओगे, इतना उनको लिखा था। और फिलहाल जब यही करना था दोस्तों, तो भगवान भी एक वो है कि क्यों बच्चा पैदा कर दिए। अभी जो ऐसे ऐसे हमारे सिस्टर हैं कि देवी देवता पत्थर पूछते पूछते जिंदगी उम्र बीत जाती है लेकिन औलाद का मुंह नहीं देखते हैं, तो ऐसे इंसान को भगवान औलाद दे तो उसका भी बरकत हो, उसकी भी ज़िंदगी कट जाए। कोई कोई इंसान ऐसा है कि कोई कोई हमारी सिस्टर ऐसे हैं कि हमारे समाज में कि जी पूरी बच्चे के चक्कर में औलाद के पीछे पूरी ज़िंदगी गुजार देती है, लेकिन फिर भी औलाद का सपना नहीं पूरा होता है। और जिसको नहीं देना है तो उसको भगवान भी, जिसको खाने का ठिकाना नहीं है उसको भी भगवान भी क्या। जब रची कहानी है कि कोई अता पता नहीं है ज़िंदगी हमारी किस मोड़ पर बदल जाएगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे आने वाले भविष्य में, हमारे आने वाले समाज में, जो हमारी समाज चल रही है अब आने वाली परिस्थिति में ऐसा ना हो ताकि हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहें, मैं तो यही कहना चाहती हूँ। और दोस्तों क्या बताऊँ आप लोग को, मैं वीडियो में कुछ दिखाई नहीं, कुछ बताई नहीं, और मैं कुछ ऐसे कुछ नहीं मनाई थी नए साल पे। और वैसे मैं उस दिन ब्लॉग में आप लोग को बताई थी कि हर दिन किसी से परेशानी करना तो अच्छी बात नहीं है। और आज की दुनिया वो है दोस्तों ना, वही है कि जिसके साथ तुम अच्छाई करो वो बुराई के रास्ते पे ले जाते हैं। अगर बुराई के रास्ते पे चल रहे हो, अगर थोड़ी सी गड़बड़ हुई तो तुम खुद इतना ही मतलब तीखी हो जाओगे ना कि हम नज़र से नज़र में ना देखें, हम उसको देखे ही ना, ऐसा इंसान हो गया है जिसको कहते हैं हमारी दुनिया मतलबी है। और आप लोग को खुद पता होगा, बताने की क्या ज़रूरत है। तो मैं यही कहती हूँ कि इतना लगाव रखो कि जितना चल सके। हमारे भी दिमाग में कुछ चलता फिरता रहता है। और हाँ दोस्तों बात आई वीडियो की, आप लोग को पता है हमारी वीडियो आप लोग देख रहे होंगे तो बताइए, जो भैया आए थे मिलने, अजय भैया आए थे मिलने, अजय रंगीला जौनपुर के, वो बहुत माने जाने यूट्यूबर हैं, उनसे सभी लोग परिचित हैं। फिलहाल उनकी वीडियो कोई देखे या ना देखे लेकिन उनको सभी यूट्यूबर लोग जानते हैं। तो जो अब क्या बताऊँ, जो हमारी वीडियो को हमारे बड़े से बड़े दर्शक लोग देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही हूँ, निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग गलत सलत मत सोचिए। अगर हम ये चीज़ कर रहे हैं तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप लोग की गलत फहमी है कि आप लोग गलत ना सोचिए, ये सब कोई उल्टी सीधी बात नहीं है। तो हो सके हमारे घर परिवार को, अगल बगल के लोग को देखने में कुछ बुरा ज़रूर लगता होगा कि ये कर क्या रही है। तो हम पब्लिक से यही चाहेंगे कि आप लोग हमारा सपोर्ट करिए ताकि हमारी जो हम इस मंजिल पे आए हैं, ये रास्ते पे चल रहे हैं, वो हमारा सफल हो जाए। मैं आप सबसे यही निवेदन करती हूँ कि हमारा वीडियो बनाने का कोई उम्मीद नहीं था, मैं कभी सोची भी नहीं थी कि मैं इस लाइन में आऊँगी, लेकिन एकाएक हमको ऐसा कुछ महसूस हुआ कि हम ये चीज़ करेंगे तो हमें इससे कुछ मिलेगा तो हम अपना आगे कुछ कर सकेंगे, यही सब बात है दोस्तों। तो चलो फिलहाल आप लोग सपोर्ट करते रहिए, जो होगा तो, अगर हमारी किस्मत में कुछ नहीं होगा तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, अगर हमारी किस्मत में कुछ है तो हमें रोकने वाला कौन है, रोकने वाला कोई नहीं हो सकता है दोस्तों। बस मैं तो आप सबसे उम्मीद रखती हूँ कि आप सब मेरे माई बाप हैं, आप सब मेरे फैमिली हैं, आप सब मेरे सब कुछ हैं, मैं आपसे ही उम्मीद रखती हूँ।
और हमारा ब्लॉग वीडियो कैसा लगा तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा हम इसमें क्या गलत बोले हैं। और जाइए, मैं भी चलती हूँ, और आप लोग जहाँ रहिए स्वस्थ मस्त रहिए, आबाद रहिए, खुश रहिए, हमेशा सलामत रहिए, आप सबका घर परिवार हमेशा सलामत रहे। मैं ये तो यही दुआ करती हूँ, अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे पीछे दूसरा कोई ना दुखी हो। अगर हमें कोई दुख परेशानी है, अगर हमारी फैमिली चाहती है तो हमें मुस्कुराहट ला देगी, स्माइल ला देगी चेहरे पे। तो एक भाई को एक बहन को खुश करना सीखो, न कि रुलाना सीखो। और जो रुलाता है वो तो इतना बेहतर है, इतना बेहतर है कि उससे कभी, मैं तो सोचती हूँ कि कभी उसको नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। अगर यहाँ कोई नहीं हिसाब लिया तो ऊपर वाला भगवान हिसाब लेगा उसका, कि किसी ज़िंदगी अगर अच्छे से चल रही है तो उसके ज़िंदगी में आके तुम मोड़ मत डालो। चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कैसा भी हो इंसान, क्यों साथ ही दुश्मन ना हो, लेकिन ये सब गलत फहमी अपने आप से निकाल दो आप लोग, और आपसे सुधर जाओ आप लोग, अपने मिलजुल के रहो। हंसता खिलता परिवार बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। काहे ना नमक रोटी हमारे घर में रहे तो हम नमक रोटी खा के बिता लें, लेकिन हंस खुस के बिता लें तो क्यों ना काहे वाला रहे, तो कि ना। तो चलिए दोस्तों, मैं आप सबसे नमस्कार कर रही हूँ, आगे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगी। हमारा ब्लॉग कैसा लगा तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताइएगा।